किस तरीके से ये सारा जो है मामला आपके आपके नजर में आया? सर मेरा नाम मनजीत सिंह है, मेरे माता जी हैं, वो नरेगा में काम करते हैं, ठीक है। और जब मैं एंट्री करवाने के लिए गया बैंक में, जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, जब मैं एंट्री करवाई तो मेरे माता जी के खाते में 28 तारीख को 28/11/2016 को 10,000 रूपया जमा हुआ है, और उसी तारीख को 28/11/2016 को वो 10,000 निकला हुआ है। और मैं घर आया, अपने माता जी से बात की, और ये आपके 10,000 रूपया जो खाते में है वो कहाँ से आया? तो माता जी ने बोला कि ना मैं बैंक में गई हूँ, ना मैं पैसे जमा करवाए हैं, ना निकाले हैं। और जब मैं इस बात की जांच की तो जो नरेगा में और काम करते हैं उनके कापियों में चेक एंट्री करवाएगी तो सभी के खाते में किसी में 10,000, 24,000, 20,000। जब बैंक वालों को ये बताया कि ये कैसे हुआ, तुम्हारी माँ के खाते में पैसे कैसे आए, तो क्या जवाब था? सर बैंक वालों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लाइनें बहुत लंबी लगी हुई थी। अच्छा, हाँ, मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं? बात भी नहीं कर रहे हैं सर। उसके बाद तुम्हें धमकाया भी गया? सर धमकाया गया है मुझको, मैं जब रात ड्यूटी पर गया, 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है, नाइट ड्यूटी है, 10:10 पर सफारी गाड़ी में 4 बंदे आए और मुझे धमकाने लगे, शटर खुलाने लगे, धमकी दे रहे थे। जब मैं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मैं उनसे बात की, वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने आके मेरा शटर खुलाया। जब उनको देख लिया इन्होंने तो गाड़ी लेकर फरार हो गए। अच्छा जी, कौन लोग थे ये धमकी दे रहे? सर जो बैंक के मुलाजिम है ना, दो की जान पहचान हुई है मुझे, और दो अनपछाते व्यक्ति थे उसके साथ। ये जो शख्स है मनजीत सिंह, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया जब इसको पहली बार पता लगा।